से तो होगा नहीं पिताजी, मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। मेहरबानी करके एक बार और मेरी विनती सुन लो। देखिए सत्या जी, जब आपके पिता ने हम पर वो सारे एहसान किए थे, हमें पता नहीं था कि एक दिन उनकी बेटी उनके एहसानों को ब्याज समेत वापस लेने आ पहुंचेगी। मैं ब्याज लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे एक एहसान मांगने आई हूँ। माफी चाहती हूँ, मैं आप पे ये एहसान नहीं कर सकती, मेरी आजादी बिगाड़ नहीं है। आप गलत समझ रही हैं रूप, या शायद नहीं सही समझ रही। मैं आपकी जिंदगी से बस एक साल मांग रही हूँ रूप, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक साल बचा है। ठंडे दिमाग से सोच लो बेटा, वो बस यही चाहती है कि एक साल के लिए तुम उन लोगों के साथ रहो। इसमें क्या नुकसान हो सकता है? एक बार चली गई तो कभी नहीं लौट पाऊंगी पिताजी। सत्या अच्छी औरत है, उन्होंने हमसे वादा किया है कि तुम्हारी बहनों का शादी होने तक ख्याल रखेगी। इसलिए पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि एक दिन सही दाम पे बेच पाऊं। मुझे रूप, बाप अपनी बेटी को हुस्नाबाद जाके किसी अनजान घर में बगैर किसी रिश्ते के रहने पे मजबूर करता है? अगर हम जिंदगी भर लोगों के घर जा जाकर शास्त्रीय संगीत सिखाए ना, तब भी तुम्हारी और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी नहीं करवा पाएंगे। पर एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बेटा, सत्या को हम बचपन से जानते हैं, वो हमसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगी। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में। शादी करनी पड़ेगी। मैं उस घर में सिर्फ आपके पति की पत्नी बनकर आऊंगी, उपपत्नी। रुक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरे पति को जान लो, समझ लो, ताकि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर ले। कैसी पत्नी है आप? और अगर एक पल के लिए मैं आपके इस पागलपन में शामिल भी हो जाऊं, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर लेंगे? किसी भी वजह से अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? क्या होगा मेरा? ये सब जानने के बाद कौन अपनाएगा मुझे? सोचा है आपने? मैं वादा कर वादा। जब आप ही नहीं रहेंगे तो आपका वादा निभाएगा कौन? तो शादी किए बगैर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दो और लड़कियां बाहर बी के यहाँ गाना सीखने आई हैं। उनके सामने अपनी पतलून बंद रखना। पता है सारी हिंदू लड़कियां अमृतसर जाने की बात कर रही हैं। आप एक बार अब्दुल से बात कर ले, काफी नाराज है। उस देव चौधरी ने लंदन से आते ही बंटवारे के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया है। आज दूसरी शादी की उसने, दूसरी बीवी घर लाया है और लोग मुसलमानों को बदनाम करते हैं। देव चौधरी? हाँ मेरी जान, देव चौधरी। उसकी बीवी मर रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि देव दूसरी शादी कर ले।
मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि सत्या ने आपको ये शादी के लिए राजी कैसे किया, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ उसकी खुशी की खातिर की है। मुझे गलत मत समझिए, आपको इस घर में पूरी आबरू के साथ रखा जाएगा। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। आप मुझसे जितनी कम उम्मीद रखेगी, तकलीफ उतनी कम होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिल मुझसे बड़ा हो और वक्त के साथ आप मुझे माफ करती रहे। शादी की रात को ही रुखसती दे दी, क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे आप कभी पहले मिले भी नहीं थे, बल्कि कई दिनों तक मैं जानती भी नहीं थी वो दिखते कैसे। मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम चारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे जफर मियां, अगर आपको अपनी तलवारों से इतना ही इश्क है तो लोहारों की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो जाते? उसी लड़ाई के लिए तो तलवारें बना रहा हूँ। बस इन्हीं तेज जुमलों से ना हीरा मंडी की औरतों के दिल काट रखे हैं आपने। कल मीटिंग में क्यों नहीं आए? एक और दिल कटने का इंतजार कर रहा था, तोड़ना नहीं चाहता था। देखिए जफर मियां, अगर औजार बनाने की मशीनें आ गई ना तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। इस बार हमारी कॉम पे नहीं, हमारे पेट पे हमला हुआ। एक तरफ अल्लाह अल्लाह करते हो और दूसरी तरफ डरते रहते हो। अगर हम मेहनत करें कभी बेरोजगार नहीं होंगे। और रही आपकी आवाम हक पार्टी की मीटिंग और बंटवारे की बात, तो मैं हरामी हूं। मुझे खुद के अपा ने उनका नाम तक नहीं किया। जो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ा, आवाम के हक के लिए क्या लड़ेगा? चलिए छोड़िए, मैंने कितनी बार कहा अब्दुल मियां, अगर आप सच में अपना नजरिया दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बलराज चौधरी के न्यूज़पेपर से कोई बेहतर जरिया नहीं है। आपके कहने से हम गए थे दिल्ली टाइम्स के अखबार वालों से मिलने, लेकिन जब से उस बलराज चौधरी का बेटा विलायत से लौटा है, बंटवारे के खिलाफ एक मुल्क एक आवाम के आर्टिकल छापने में मशगूल है। इनकलाब खून बहा के लाया जाता है, बातें करके नहीं। सही कहा आपने जफर मियां, बिल्कुल सही फरमाया। चलिए आ जाइए हमारी तरफ। गलत ना समझे मुझे भाई, आपने जान दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ आपके लिए। बस मुझे इन चौधरियों के मसलों से दूर रखिए अब्दुल मियां। आपको थोड़ा ख्याल रखना, ये एक मुल्क एक आवाम का आर्टिकल लोगों को हजम नहीं हो रहा। धर्म के नाम पे अंग्रेज हमारे देश का बंटवारा कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में किसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन उनके बिना हम अपना देश भी तो नहीं संभाल पा रहे, उसके बारे में क्यों नहीं लिखते आप? वक्त के साथ हम सब सीख लेंगे, अगर साथ में रहे तो। इस मकसद का मसीहा तुम्हें किसने बनाया? मैं बस एक आवाज हूँ जिसमें लोगों तक पहुंचने की ताकत है, या बहकाने की ताकत, या उन्हें सही राह दिखा रहा हूँ जिस सही राह में यकीन आप भी करते हैं, बस सियासत से लड़ते हैं। ये मत भूलिए कि हम यहाँ माइनॉरिटी है और मुस्लिम लीग दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। आप अपने दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। अगर मैं ऐसा कर पाता तो फिर बात ही क्या थी। कभी कभी दिमाग का दिल से हार जाना जरूरी होता है। क्या हुआ सरोज, रूप कहाँ है? वो नीचे नहीं आना चाहती। चलता हूँ।
कोई बात नहीं, उन्हें उनका नाश्ता कमरे में ही दे दे। जी। देव को हमेशा लगेगा कि मैंने उसके साथ ज्यादती की, लेकिन आपने जो किया है सही है। जिंदगी पर भरोसा रखिए, उसने जो उलझाया है वही खुद सुलझाएगी। आवाज कहां से आ रही है? बहार बेगम की हवेली से। किसी जमाने में हुस्नाबाद की सबसे मशहूर मुजरे वाली हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने नाचना छोड़ दिया, अब गाना सिखाती है। कहां है बहार बेगम की हवेली? हीरा मंडी में, इस शहर का सबसे बदनाम मोहल्ला। उस जगह का सिर्फ नाम लेने से ही लोगों के नाम खराब हो जाते हैं। अरे हम कह रहे हैं आपसे मुंशी साहब, हमारे जफर भाई से अच्छा लोहार पूरे हीरा मंडी में नहीं है। अभी पिछले साल ब्रिटिश आर्मी की तलवारें भी इन्होंने ही तो बनाई थी। वही हराम का पिल्ला है ना जफर, वो कहाँ से आए हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, आप उनका काम देखिए ना। मुझे फर्क पड़ता है अब्दुल साहब, एक तो ये नाजायज, और ऊपर से माफ कीजिएगा मुसलमान मुंशी जी, अगर मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं तुम्हारा घर। लोगों के काम पे तवज्जो देना सीख, उनके बाप के नाम पे नहीं। लेकिन ये बड़ी बात तेरी कम अकल नहीं समझ पाएगी। छोड़ दे, छोड़ दे जफर, मैं कह रहा हूँ जफर छोड़ दे। छोड़ दे जफर, जफर वो लाश तो है नहीं इन लोगों में। अरे एहसान मान हम लोगों का, जो तुझ जैसे हरामियों को अपने मोहल्लों में रहने देते हैं। एक तो ये हमारी वजह से हीरा मंडी में पड़ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कचरा बढ़ा रहे हैं कचरा। दुश्मन नहीं हूं रूप, बस अपने बाद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं। पता है मेरे माँ बाप को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना फजूल है, वरना अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो इतने बड़े अखबार में काम करने का मौका कभी नहीं गवाती।